नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं अनूपपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां जिला अस्पताल में पहुंची सीबीआई की टीम तो हड़कंप मच गया। नर्सिंग कॉलेज में रेड के बाद जिला अस्पताल पहुंची सीबीआई टीम, छात्रों के प्रैक्टिस संबंधी दस्तावेजों की जांच के लिए यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची। आपको बता दें कि सीबीआई की ये दबिश हाईकोर्ट के आदेश पर थी। कई बिंदुओं पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है और अनूपपुर नर्सिंग कॉलेज में रेड के बाद सीबीआई की टीम यहां जिला अस्पताल पहुंची, उन कागजों को खंगालने के लिए जो छात्रों के प्रैक्टिस संबंधी कागजात हैं। और अब आपको बताते हैं कहां हुआ है न्यूज 18 की खबर का असर। जी हां, मंडला में नेशनल हाईवे 30 पर अवैध वसूली के मामले में खबर दिखाई थी प्रमुखता के साथ न्यूज 18 ने, और इस खबर का असर हुआ है हाईवे से संभागीय उड़न दस्ता परिवहन टीम हट गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने खुद जांच की और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। न्यूज 18 पर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाए जाने के बाद असर हुआ है और अब हाईवे से संभागीय उड़न दस्ता परिवहन टीम को हटा दिया गया है। हमने आपको दिखाया था किस तरह से यहां पर अवैध तरीके से वसूली की जा रही थी और ये पूरा वाक्या वहां कैमरे में कैद हुआ था। ये हमने आपको दिखाया और इस खबर ने प्रमुखता के साथ अपना असर दिखाया है। तो किस तरह से यहां पे अलग अलग कार्ड बने हुए थे, गुलाबी, गोल्डन, और अब आश्वासन मिला है कार्रवाई का। ये खबर मेरे आपके द्वारा जो खबर लगाई गई, मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने भी वहाँ जाकर जांच की। कुछ जो वाहन चालक थे उनसे बात की तो उन्होंने तो बताया कि हाँ, जांच की जाती है वाहनों की और उसके बाद जो भी कमी बेसी पाई जाती है उसमें कार्रवाई की जाती है। लेकिन हमने वहाँ उड़न दस्ता को निर्देशित किया है कि आप किसी भी एक पॉइंट पर रुक कर किसी प्रकार कार्रवाई ना करें। उड़न दस्ता जो उसका रोटेशन है, जो वीक निर्धारित है, जो समय, उसके हिसाब से कार्रवाई करें। वही खबर उज्जैन से, जहां 10 भुज गणेश मंदिर में वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आने का पुजारियों ने विरोध किया है। पुजारियों ने आग्रह किया है कि जो भी मंदिर में आए वो सनातनी ड्रेस पहनकर ही आए। मंदिर के बाहर ये पोस्टर भी चस्पा किया गया है। उज्जैन के मंदिरों में पहले भी ड्रेस कोड को लेकर बातें होती रही हैं। मंदिर में सेल्फी लेने पर भी पुजारियों ने अपना एतराज जताया है। पुजारियों का कहना है कि मंदिर में भगवान गणेश की फोटो लीजिए, लेकिन मोबाइल से सेल्फी लेने पर प्रतिबंध है। ये कुछ संस्कार अपने सनातन जो धर्म है उस हिसाब से हमने बोर्ड लगाया है कि पिक्चर कैमरे में फोटो खींचना, मोबाइल से भगवान को फोटो खींच रहे वहाँ तक ठीक है, लेकिन कुछ सेल्फी होकर खींचते हैं वो सेल्फी लेना गलत है। दूसरा, कपड़े जो पहन कर आते हैं, चाहे जैसे कपड़े मतलब लड़की जा साड़ी में आए, सूट में आए, वहाँ तक उचित है, लेकिन अपन जींस टॉप स्कर्ट कुछ तो भी पहन कर आ रहे हैं तो वो मंदिर में आना उचित नहीं है उस चीज़। वह दिल्ली में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई है, एमपी के लोकसभा प्रभारियों की बैठक हुई। लोकसभा प्रभारियों को आलाकमान ने निर्देश दिए हैं 18 से 24 जनवरी के बीच में लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करें। 30 जनवरी को लोकसभा वार रिपोर्ट सौंपनी होगी। फरवरी में उम्मीदवारों के ऐलान की रणनीति पर काम हुआ है। 2 से 3 नामों का पैनल बनाने की रणनीति बनाई गई है। नए चेहरों पर भी दाव लगाने की तैयारी पार्टी कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक, जहां सभी 29 लोकसभा सीटों के कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया था और यहां रणनीति बनाई गई कि किस तरह से नए चेहरों पर दाव लगाया जाए और साथ ही 2 से 3 नामों का पैनल बनाने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। वासु चौरे हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े इसी खबर पर। वासु, मध्य प्रदेश में लोकसभा की जंग किस तरह से लड़ी जाए उसको लेकर दिल्ली में यह मंथन हुआ है। देखिए, कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जो नतीजे आए वो उनके खिलाफ रहे, ऐसी स्थिति भोपाल लोकसभा के चुनाव में ना बने, और इसलिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर, मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस ये चाहती है कि अब नए और ऊर्जावान चेहरों को लेकर आगे बढ़ा जाए। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस ने अपनी टीम को भी मध्य प्रदेश में बदलने का काम किया। जीतू पटवारी, जो तेज तर्रार नेता वाली नेता की उनकी छवि है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उमंग सिंघार और उपनेता
के तौर पर देखा जाए तो हेमंत कटारी का जो नाम है वो सामने आया, और अब जल्द ही कांग्रेस की नई टीम भी मध्य प्रदेश में गठित होगी। लेकिन इस सबके बीच लोकसभा के लिए कांग्रेस लगातार जमावट कर रही है, और आज सभी 29 कोऑर्डिनेटर्स को दिल्ली बुलाया गया था, उनसे अपने अपने क्षेत्रों का जिस लोकसभा की जिसके पास जिम्मेदारी है फीडबैक लिया गया, वहाँ पर जनता की क्या मांग है, विधानसभा चुनाव में वहाँ पर कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहा, बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहा, विधानसभा में कहाँ चूक हुई, इन तमाम बातों पर मंथन हुआ है। और अब इसी के अनुरूप जो है टिकट के लिए फॉर्मूला तय होगा, और नए और जो पोटेंशियल चेहरे हैं जिनका एक अपना जनाधार है कांग्रेस, उनको इस पूरे दिल्ली में बनाई गई रणनीति को किस तरह से मध्य प्रदेश में अमल किया जाता है उस पर भी नजर हमारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं रामलला को महाकाल की भेंट। जी हां, 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की है। उज्जैन के महाकाल मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 5,00,000 लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बेहद नजदीक आ चुका है। मंदिर के उद्घाटन को लेकर तमाम राज्यों से कुछ न कुछ भेजा जा रहा है, और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल मंदिर से 5,00,000 लड्डू अयोध्या भेजने का ऐलान किया है, जिसे वहां प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा 17,00,000 साल पुराना स्वप्न है, और इसमें मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद अयोध्या जाएगा। 5,00,000 लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। वहीं सीएम के बयान के बाद उज्जैन में लड्डू बनाने का काम शुरू हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह महाकाल मंदिर में 5,00,000 लड्डुओं को बनाने का काम चल रहा है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, बेसन और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान महाकाल को चढ़ने वाला लड्डू अब अयोध्या जाएगा, वहाँ पर जो राम भक्त आएंगे उनको वितरित किया जाएगा। उज्जैन कलेक्टर है नीरज कुमार सिंह जी, जो यहाँ पर निरीक्षण करने आए, तैयारियों को देखने आए, तो सर किस तरीके की तैयारियां की जा रही है और कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार 5,00,000 लड्डू महाकाल मंदिर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भेंट स्वरूप भेजे जाएंगे। उसके लिए पूरी तैयारियां यहां पे प्रारंभ हो गई हैं। करीब 250 क्विंटल एक्स्ट्रा हमें लड्डू बनाने होंगे अगले 5 दिनों में, और उनको बनाने के पश्चात फिर 4 से 5 ट्रकों के माध्यम से उसे अयोध्या प्रेषित किया जाएगा, और अयोध्या पहुँचने में करीब 3 दिन का और समय लगेगा, तो वेल विद इन टाइम पूरे लड्डू तैयार होकर के वहाँ पहुँचेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से ही विधायक हैं और बाबा महाकाल के बड़े भक्त हैं। उनकी घोषणा के बाद उज्जैन में लड्डू बनाने का काम भी शुरू हो गया है। उद्घाटन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के साथियों के साथ वहां दर्शन के लिए जा सकते हैं। साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एमपी में उत्सव का सा माहौल है। रिपोर्ट न्यूज 18। तो महाकाल से भेजे जा रहे हैं लड्डू, तो वही सियासत जमकर हो रही है। जी हां, राम पर सियासत क्यों, यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। कांग्रेस को दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण मिला, लेकिन कांग्रेस ने जाने से इनकार कर दिया, जिस पर अब सियासत बहुत तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह के बयान पर वार पलटवार जारी है, यहां तक कि उन्हीं की पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। तो वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कांग्रेस पर जमकर बरसी है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारी जारी है। उधर कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने इसे इवेंट बना दिया है। मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बिना किसी इवेंट के राम मंदिर दर्शन करने जाएगा। उधर दिग्विजय सिंह के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राजनेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए, राम सबके हैं, ये भारत का गौरव है। नेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए, भारत का नहीं पूरे विश्व का। करोड़ों साधु संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, ये सब एक तरफ
और भगवान राम एक तरफ, हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा राम संचालित करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। ये भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है, इसमें विघ्न डालना छोड़ो। और मैं तमाम राजनीतिक लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस निमंत्रण को स्वीकार करो। राम सबके हैं, सब राम के हैं। लेकिन स्वीकार तो नहीं किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, स्वीकार नहीं किया। मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है, मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि जिनको आमंत्रण मिला है उन्हें तो सशरीर पहुंचना चाहिए। कांग्रेस को भी आमंत्रण मिला है लेकिन वो नहीं जा रहे, वो हमेशा से ही प्रभु राम के कार्य का विरोध करते रहे हैं। ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। राम जी के जन्मभूमि के विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस किए हैं और कई कई वकील उन्होंने खड़े किए हैं, और उसके बाद राम सेतु को भी नकार दिया है। इन्होंने प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है, फिर सनातन धर्म को गालियां दी हैं। तो इनका तो मुझे लगता है कहीं किसी प्रारब्ध का कोई कण जागृत हुआ होगा जो इनको पत्रिका मिल गई। मुझे लगता है कि इनका दुर्भाग्य है जो ये नहीं पहुंच रहे हैं, और इनके मुंह से ऐसा ही प्रभु करवा भी दे। सरस्वती मैया विराजमान होती है कि तुमने इतने भी पुण्य नहीं किए कि तुम पहुंच जाओ, इसलिए बहुत अच्छा है हमारा ये कार्य निर्विघ्न रूप से सफल होगा। प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य मंदिर में विराजमान होना प्रभु का, ये सनातनियों के भाग्य का है, इसलिए सनातनी वहाँ पहुँचेंगे। कांग्रेस 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी, इसको लेकर कांग्रेस का अपना तर्क है। उधर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, भगवान राम के नाम पर सियासत हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं भोपाल में राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या में होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि अब राम जी का समय चल रहा है और 500 सालों से जिसका इंतजार था वो इंतजार अब पूरा हुआ है। हमारे यहाँ जब मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा लगाई जाती है तो प्रतिमा युवा ही लगाई जाती है। बहुत बहुत बधाई आप सभी के बीच, हमारी अकेडमी के खिलाड़ी हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी को। यार देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगेगी तो युवा देवता की लगेगी, कोई बुजुर्ग देवता आपको दिखाई नहीं देंगे। ये युवा का महत्व तो हम सबको ऊर्जा दिलाने के लिए, कोई भी मंदिर में कभी भी प्रतिमा लगेगी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जहां भी लगेगी वो हमको अपने आप सदैव ऊर्जा से सराबोर रहते। एक ऐसा समय आया है, इस समय का 500 साल से इंतजार था, हजारों हजार साल से, वैसे तो लाखों साल से, लगभग 17 लाख साल पहले का, क्योंकि आयु भी हमारे यहाँ नासा ने डिसाइड कर दिए राम सेतु के आधार पर। और अब बात